मेडिसिन लेने के बाद जब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया उसके 4 महीने बाद फिर ये कंसीव हुआ मेरा बच्चा। रिसर्च किया तो आशा आयुर्वेदा मिला हमें। एक बार हमने सोचा क्योंकि डेली था तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है जिसमें एलोपैथिक बिल्कुल फेल है वो ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक कर सकती है, हमें विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे सिर्फ 15 दिन की मेडिसिन के बाद में मैम ने मुझे यहाँ दोबारा बुलाया था, लेकिन वो 15 दिन की मेडिसिन ही मैंने कंसीव कर लिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। चॉकलेट सिस्ट भी था मुझे, इंडोमेटोसिस था, उसकी भी दवाई चली। और HSG में माइनर सा एक ट्यूब में मैम ने बताया था कि कुछ ब्लॉकेज है, वो बस 3 महीने के ट्रीटमेंट से सारे सही हो गया। लेफ्ट में आई हैड सूजन, थोड़ी सी सूजन थी, स्वेलिंग थी, तो उन्होंने मुझे दवाई दी एंड विद इन 3 मंथ्स आई कंसीव्ड एंड आई एम हैप्पी नाउ, दिस इज माय चाइल्ड एंड आई एम हियर लुकिंग फॉर माय सेकंड बेबी की मैं कंसल्टेशन के लिए आई हूँ आज। बहुत मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड खुश हैं, पूरी फैमिली खुश है, पूरी रिपोर्ट को देखो मैम, थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पे आए थे और बहुत ही मतलब होपलेस हो गए थे तभी यहाँ पे आए थे, और आपके ही सारे एफर्ट से हमें ये मिला है। बहुत अच्छे से जो है यहाँ हमें ट्रीटमेंट मिला है और हम सक्सेस होके जो है आज जो है मैडम ने भी बहुत अच्छे से खुशी से हम लोगों को ये बोला है कि आप अच्छे से जाओ, अब अपनी फैमिली को प्लान करो। मुझे फर्स्ट मंथ में कंसीव हो गया, मुझे सेकंड टाइम आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था मुझे फिर भी कि मुझे कंसीव हुआ होगा। मैम से मिलके एक पॉजिटिविटी और मतलब क्रिएटिविटी बढ़ी कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगी। फिर उसके बाद 3 महीने तक हमारी दवाई चली, उसके बाद आज ये रिपोर्ट है सर, और इसमें मेरी दोनों ट्यूब्स पूरी तरीके से ओपन हो गई। HSG करवाया है तो HSG मेरा अभी मतलब दोनों ट्यूब्स, जो ट्यूब ब्लॉक थी वो ओपन आई है, और जो ब्लड फ्लो का इशू था वो भी अभी सही हो गया है। हम आपको थैंक यू बोले वो कम है कि इतनी बड़ी खुशी मिली हमें। चंचल मैम को और सारे स्टाफ को कि यहाँ हमें अच्छा लगा, सफलता मिली। बोली ना खुश नहीं हो, मैं बोली बहुत खुश हूँ। बोली क्यों रो रही हो, मत रो। तो मैं बोली कि मैम बोली थी ना कि रोना मत, तुम रोते हुए आई हो ना हंसते हुए जाओगी, आज मेरा सफल हो गया। मैं तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया? 9 साल हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे बच्चे भी और मेरे घर में जितने हैं सब उनके बहुत आभारी हैं, और सबको बहुत खुशी इस बात की उनके इलाज से जो उन्होंने किया ट्रीटमेंट, उससे हमको काफ़ी रिलीफ मिला। लेकिन ये मेरे लिए बहुत मतलब वो था कि शायद भगवान मेरे को ये दिन दिखाएंगे, और वाकई में यहाँ पे मतलब मेरे को वो दिन वापस आए मेरे, और मैं एक आशा के साथ जो है तो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। अब फाइनली मुझे बच्चा कंसीव होने के बाद मेरे हाथ में बेबी है, अभी 7 मंथ का है, तो मैं आज इसको डॉक्टर से मिलाने के लिए लेके आई थी, तो आज ही मेरा बेबी है। हेलो बेटा, हेलो बोलो, हेलो। IVF करवाया है, इतना खर्चा कर 6 मंथ होने के बाद जब मेरा ख़राब हो गया, तब हम क्या विश्वास करें अब नहीं हो पाएगा। पर यहाँ आके मैम ने जिस तरीके से मुझे समझाया कि मुझे लगा कि नहीं चलो यहाँ मुझे हो जाएगा, और मैम का विश्वास और मुझे भी विश्वास हुआ, तब जाके आज मेरा सक्सेस हुआ सब कुछ। अच्छा रिजल्ट रहा, फाइनली दोनों ट्यूब फुली ओपन हो गई है। 15-20 डेज की मेडिसिन खा के नेक्स्ट मंथ कंसीव हो गया था। PCOD की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसका भी इलाज कोई डॉक्टर कर नहीं पा रहे थे ठीक से, 3 साल हो चुके थे, तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ आने के बाद कुछ ना कुछ बेटर होगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1 महीने के ट्रीटमेंट में मुझे कंसीव हो गया। ये मेरी बेटी है 4 महीने की, जन्नत। थैंक यू सो मच मैम फिर से मुझे बुआ बनाने के लिए, पहले माँ बनाने के लिए, फिर एक बुआ और दूसरी बुआ। थैंक यू सो मच मैम, यू आर सच गॉड फॉर अस। थैंक यू।